बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश के बाद अब रैंडम चेकिंग की शुरुआत होगी। जांच रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम ने टीवी की मशीन जांच सीवी नेट से भी कोरोना जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। आईसीएमआर ने हरी झंडी देने के साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है कि राज्य में इसकी शुरुआत पटना और दरभंगा से होगी। जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी सीबी नेट से कोरोना की जांच की शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कार्टिलेस खरीद के लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया है। इससे कम समय में और अधिक संख्या में कोरोना की जांच हो सकेगी। दरअसल अभी कोरोना जांच में न्यूक्लिक एसिड मरीज के क्लैप को लैब में निकाला जाता है। यह काम रियल टाइम मेथड से मैनुअल में किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड निकालकर उसे पीसीआर मशीन में रन करना होता है। पूरी प्रक्रिया 4 से 5 घंटे में होती है, जबकि सीबी नेट में कॉटेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीन है। सीबी नेट में मैनुअल काम का झंझट नहीं होता है। एक बार सैंपल लगा लो और मशीन को चालू कर दो और पूरी प्रक्रिया जो है वो जांच रिपोर्ट आ जाए। राज्य में कोरोना जांच के नोडल संस्थान IMRI के निदेशक डॉक्टर प्रदीप दास की माने तो सीबी नेट मशीन से कोरोना जांच की जाती है। टीबी जांच मशीन में कोरोना जांच के लिए केवल कार्टिलेज व कैसेट बदलने की जरूरत पड़ती है। यह सुविधा सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मौजूद है। एक तरफ जहां दूसरे राज्य सरकारें कोरोना जांच में साधन और संसाधन की कमी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के नीतीश सरकार ने टीबी मशीन से जांच का फैसला कर कोरोना की रफ्तार को जल्द थामने का ऐतिहासिक कदम लिया है। जाहिर है यह देश के लिए एक बार फिर से मिसाल बनेगा। कोरोना के तमाम अपडेटों के साथ हम लगातार आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, खबरों की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।